अच्छा है तो ये बड़ा एक माइनर सा पॉइंट, लेकिन ये आपकी कामयाबी में बहुत ही मेजर रोल अदा कर सकता है, ठीक है। और वो ये है, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, टुडे द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज़ प्रेजेंटेशन स्किल्स। बेसिकली ये पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात हो रही है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि CSS पाकिस्तान का सबसे टफेस्ट एग्जाम कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप इसको आसान बना सकते हैं। वो इस तरह से कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स तो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी उन्होंने पढ़ा होता है, वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो स्किल्स डेवलप ही नहीं करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन की वो नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। तो ऑब्वियसली जो भी उन्होंने सीखा होता है, जो भी उनके लर्न्ड मटेरियल होता है, वो पेपर में उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। एग्जामिनर को तो नहीं पता, आपके रीडर को तो नहीं पता कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। उसने तो उसका और आपका कम्युनिकेशन होना है आपके पेपर के थ्रू, तो अगर पेपर पे वो चीज़ें मौजूद ना हुई, देन फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का या बहुत ज़्यादा डेटा गैदर करने का। तो आज कुछ टिप्स की बात की जाए जिससे आप प्रेजेंटेशन स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। टिप्स को बकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये टिप्स CSP फातिमा तारिक की तरफ से बताई गई हैं और आप इन पे बिलीव कर सकते हैं आँख बंद करके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज काउंट एंड डिवाइड योर पेजेस इक्वली बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर पेपर। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आपके जो चारों सवाल हैं, यानी कि आपको पता है ना कि ऑप्शनल्स में या बाकी के कंपलसरी में एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर्स, आपके चार सवाल हल करने होते हैं आउट ऑफ सेवन। तो आपके वो चारों सवालों के जो आंसर्स हैं, उनकी जो लेंथ है, इट शुड बी इक्वल। फॉर दिस पर्पज आपने करना क्या है, जो आपको पेजेस मिलेंगे कंपाइल्ड फॉर्म में होते हैं SCSS में, जो आपको मिलते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, आपने सबसे पहले देख लेना है कि वो कितने पेजेस हैं, ठीक है। और प्रोबेबली सुना है कि उसके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है, ठीक है। तो अगर तो नंबरिंग लिखी हो तो फिर ज़ाया यू डोंट हैव टू काउंट, लेकिन अगर उस पर नंबरिंग ना दी हुई, देन फिर आप पेजेस काउंट कर लें कि कितने हैं, ठीक है, कितने सवाल, ज़ाहिर आपने चार सवाल करने हैं। प्रेफरेबली आपके एक सवाल का जो आंसर है वो 6 to 8 pages तक ऑब्वियसली जा सकता है, ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। कम में जाएंगे तो आपका ऑब्वियसली वो जस्टिफाई नहीं हो सकेंगी बातें जो कि सवाल में पूछी गई हैं, और ज़्यादा में जाएंगे तो इतना टाइम होता नहीं है। आप खुद इमेजिन करें कि जब एक एग्जामिनर ने हज़ारों के हिसाब से पेपर्स चेक करने हैं, और उसके पास हर पेपर ऐसा आ रहा है कि जिसमें पहला सवाल बहुत अच्छा किया गया और उसकी जो लेंथ है वो प्रोबेबली 12 से 13 सफ़ों पे जा रही है, लेकिन जो दूसरा सवाल है वो 10 पे चली गई है, जो तीसरा है वो बिल्कुल 5 पे चली गई है, और चौथा सवाल तो बाज़ औक़ात लोग कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, और जाहिर है टाइम मैनेज आपने किया है या नहीं किया, वो आपका पेपर ऑब्वियसली उसको डिपिक्ट करेगा। तो इस वजह से आपने अगर चारों सवालों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी हुई, इक्वली टाइम दिया हुआ, तो ऑब्वियसली उनका जो आंसर है वो भी इक्वल पेजेस पर ही आएगा। तो इसी से ही एग्जामिनर को आपकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा कि यू कैन मैनेज टाइम वेरी वेल, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, और यही जो पॉइंट है वो आपको, आपका जो पेपर है वो यूनिक बनाएगा बाकी के एस्पिरेंट्स में से। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट है लर्न द टेक्निक ऑफ होल्डिंग एंड बैलेंसिंग यूज ऑफ मार्कर्स एंड पेन बॉल पॉइंट्स पॉइंटर टू क्रिएट अ डिसेंट विजुअल इंप्रेशन ऑफ योर पेपर। अच्छा है तो ये बड़ा एक माइनर सा पॉइंट, लेकिन ये आपकी कामयाबी में बहुत ही मेजर रोल अदा कर सकता है, ठीक है। और वो ये है कि आपने अपनी स्टेशनरी को होल्ड कैसे करना है, इसी से ही आप बहुत ज़्यादा अपने मिनट्स को बचा सकते हैं, और वही मिनट्स में आप ऑब्वियसली कोई काम के बाद पेपर में लिख के आप एलोकेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आपने करना क्या है, पेपर जाहिर है आपको पता है कि पेपर अटेम्प्ट करते हुए सबसे ज़्यादा मसला यही आ रहा होता है कि क्योंकि हमने एक विजुअल इंप्रेशन देने के लिए हमने डिफरेंट किस्म के पेन और मार्कर्स का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि जो मेन हेड है और वो हमें देना होता है या तो ब्लैक से देते हैं या ब्लू से देते हैं, ठीक है, ब्लू मार्कर से। और जो उसके बाद सब हेड है वो, अगर आपने मेजर जो है वो ब्लैक से दिया है तो सब हेड आप ब्लू मार्कर से दे दें, और उसके बाद अगर बीच में कोई चीज़ आती है तो उसके लिए आप एक पॉइंटर रखें, ठीक है। लेकिन ये याद रहे कि आप ब्लैक
या ब्लू कलर के अलावा कोई और इंक इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं ये भी बताती चलूँ कि ऐसे में आपने हेडिंग्स नहीं देनी होती आउटलाइन के अलावा, यानी कि बाकी का पूरा ऐसे आपका सेम जाता है। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये बता रही हूँ बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें आपने 4 सवाल करने होते हैं। और आपने सब हेड कैसे देना है, मेन हेड कैसे आपने देने हैं, और आपने बीच में जो फिगर्स हैं वो कैसे लिखनी है, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीन पर मैं आपको शो कर देती हूँ, या आप लास्ट में देख लें। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें बताई हुई हैं। इस वाली वीडियो में जस्ट मैं आपको बेसिक 2 ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल है तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो बात हम ये कर रहे थे कि आपने जब बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्कर्स और पेन्स का यूज़ करना होता है, तो वो उनकी कैप खोलने बंद करने में ही आपके कीमती जो मिनट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या करिए, आप अपने लेफ्ट हैंड में, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड में जो मार्कर्स हैं या जो पेन्स हैं जो जो आपने इस्तेमाल करने हैं वो खोल के रख लीजिए, ठीक है, वो ओपनड आप रखें और वो पकड़ी रखें, और राइट हैंड से ज़ाहिर आप अपना पेपर करते रहें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जब भी हेडिंग देनी है तो आप फटाफट वो हेडिंग दे सकेंगे, ये जो खोलने बंद करने में जो टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि ऑब्वियसली फिर आपको डेली न्यू मार्कर्स लेकर जाने पड़ेंगे, तो आप जाहिर है पेपर से पहले ही अपनी स्टेशनरी हर दिन के लिए आप जमा करके रखिएगा, ताकि आपको पेपर वाले दिन किसी से मांगना ना पड़े, ताकि आपका एक भी मिनट वेस्ट ना हो। ऑब्वियसली जब मार्कर्स ओपन रहेंगे तो वो पेपर के दौरान तो नहीं खुश्क होंगे, लेकिन अगले दिन के लिए फिर मे भी उनकी जो ऑब्वियसली जो उनका कलर है, उनकी जो इंक है वो मध्यम हो जाए और आपका अच्छा इंप्रेशन ना पड़े। इसलिए आप हर पेपर के लिए डिफरेंट ख़रीद लीजिएगा, ठीक है, जितने पेपर्स हैं उतने ही मार्कर्स आप ले लीजिएगा, ताकि कोई मसला ना हो आपको। और आपने जाहिर है मार्कर्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, कोटेशंस देने में, फ्लो चार्ट्स बनाने में, चार्ट्स बनाने में, मैप्स बनाने में, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करने में। फिर एक सवाल और भी पूछा जाता है कि ये जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं क्या हमने वो मार्कर से लिखनी है, तो ज़रूरी नहीं है, बेशक आप वो सेम इंक से लिखते हैं, लेकिन आप जस्ट उसके नीचे लाइन लगा दें ताकि एग्जामिनर की नज़र लाजमी उस पर पड़ जाए। और बैलेंस्ड अप्रोच के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस यूज़ ऑफ मार्कर्स, ठीक है, यानी कि मेन हेड ऐसा नहीं है कि पहला मेन हेड आपने ब्लैक से दिया फिर आप भूल गए कि मेन हेड के लिए कौन सा कलर था, तो आपने आगे जाकर मेन हेड ब्लू से कर दिया और सब हेड आपने ब्लैक से कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए आपकी। और आप मतलब याद रख लेना हर पेपर में फिर आप वैसा करें कि मेन हेड के लिए आप ब्लैक या तो चुन लें और फिर सब हेड के लिए आप ब्लू चुन लें, और उसी को ही फॉलो करें इस पैटर्न को सारे के सारे अपने पेपर्स में। तो है तो ये बहुत ही माइनर से पॉइंट्स थे, बट मे बी आपका इससे कोई फ़ायदा हो जाए, और लेकिन माइनर पॉइंट्स ही हैं लेकिन ये मेजर रोल अदा कर सकते हैं आपकी कामयाबी में, आई मस्ट से। वीडियो पसंद आए तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी काम की बातें पता चल जाएं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।